दोस्तों गाजर, गाजर एक बीटा कैरोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है और जो हमारी त्वचा की नई सेल्स, नई कोशिकाओं को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इससे हमारे ब्लड को बनने में बहुत ही फायदा होता है, जिससे हमारी त्वचा संबंधित रोग बहुत तेज़ी से ठीक होते हैं। जिनके शरीर में बीटा कैरोटीन की मात्रा कम होती है या बीटा कैरोटीन की मात्रा की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उनको गाजर का सेवन और त्वचा संबंधित जितने भी रोगी हैं, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा से संबंधित या किसी भी तरह की त्वचा की संबंधित समस्या है, उनको खासकर गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है जरूर दबा लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे विनम्र निवेदन, आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप जानेंगे। तो दोस्तों, अगर गाजर का सेवन आपको कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और आपके सफ़ेद दागों को ठीक करने में बहुत तेज़ी से ये फ़ायदा पहुंचाएगा, आपकी दवाइयाँ काम करेंगी और इससे सिर्फ एक बीमारी नहीं ठीक होती है, बहुत सारी बीमारियों में आपको लाभ होगा। आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, रौनक आ जाएगी, बिल्कुल चमक जाएगा आपका चेहरा, बिल्कुल भी शाइनिंग मारने लग जाएगा अगर गाजर का आपने नियमित 2 से 6 महीने सेवन कर लिया। सारी समस्या आपके स्किन में जो कमी की वजह से आपके दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, त्वचा में सफ़ेद दाग होने लगते हैं, वो सभी दाग मिटने लग जाएंगे अगर इसकी कमी आपकी पूरी हो गई। आपको दोस्तों गाजर का सेवन कैसे करना है उसको आप ध्यान से सुनिएगा और साथ में आपको परहेज भी करना है। जो लोग सफ़ेद दाग या वाइट पेजेस से संबंधित मरीज हैं उनको परहेज भी करना है, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है जो इसको डिटॉक्स कर दें, आके इसके विपरीत लड़ने लग जाएं। आपके शरीर को ठीक करने के लिए गाजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, आपको एक गिलास गाजर का रस सुबह और एक गिलास गाजर का सेवन शाम को नियमित आप करिए 2 से 3 महीने तक। फिर आप देखिए आपकी त्वचा में कितना निखार आता है, कितनी त्वचा कांतिमय और चमकदार हो जाती है। दोस्तों गाजर आपके खून को बढ़ाता है, ब्लड की रेड सेल्स जो होती हैं, रेड कोशिकाएं, उनको बढ़ाता है। खून को जब बढ़ाएगा ये तो आपके ब्लड में लाल रक्त कणिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, जिससे आपकी त्वचा का नव निर्माण होता है। जो नई कोशिकाएं त्वचा की परत में बनती हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता मिलती है और तेजी से बनने लगती है। जब बीटा कैरोटीन हमारे दोस्तों बालों के लिए, आँखों के लिए और त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं, आँखों की रोशनी बहुत तेज होने लगती है और चेहरे पे कांति आ जाती है, बिल्कुल चमकने लगता है। तो दोस्तों गाजर का सेवन आपको एक गिलास सुबह और एक गिलास शाम को करना है नियमित। और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन मैं करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट ना पाए, कि आपको सबसे पहले तो दोस्तों आपको परहेज पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा अगर आपको सफ़ेद दाग या कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी में, क्योंकि आपको उन चीज़ों से बिल्कुल वर्जित करना होगा जो चीज़ें इस बीमारी में नहीं खाई जाती। तो उसके लिए आपको 90 सेट के जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि अगर कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी तो फिर ये दवाई में बाधा पहुंचाती है, क्योंकि घरेलू चीज़ें तभी फ़ायदा करती हैं जब आप परहेज करते हैं, और अगर आप परहेज नहीं करते हैं, आपको नहीं पता होता है, तो फिर वो फ़ायदा नहीं पहुँचाती। एक भाई साहब ने अभी मेरे पास कॉल किया और बोले मैं, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर बाद में पता लगा वो किशमिश खा रहे हैं। किशमिश सफ़ेद दाग को घटाता है, मतलब कि सॉरी, किशमिश जो है आपके सफ़ेद दाग को बढ़ा देता है। किशमिश का सेवन बिल्कुल वर्जित है, नहीं खाना है। और बहुत सारे लोग हैं जिन जिनको जानकारी पता नहीं, अमरूद खाते रहते, तो अमरूद भी आपको सफ़ेद दाग को बढ़ाता है। तो दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन यही मैं करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं और जो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते हैं उनको मैं सारे लिंक भेज देता हूँ वीडियोज़ के, और डिस्क्रिप्शन में भी आप वीडियो के लिंक जाके देख सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से परहेज और कौन सी चीज़ें खाना है, कौन सी चीज़ें नहीं खाना है, सब कुछ करेंगे तो बीमारी की कोई हिम्मत ही नहीं कि वो आपके शरीर में रुके, वो स्वतः ही आपके शरीर को छोड़ के चले जाएगी। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे, परहेज नहीं करेंगे, कुछ भी खाएंगे, तो फिर ये घरेलू नुस्खे काम नहीं करते हैं। आपको ये घरेलू नुस्खे तभी काम करते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं अगर आप परहेज करते हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। ओम नमः शिवाय।